हो गया लाइव। चलिए तो आज हम लोगों को करना है डेड बीट एंड बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का बेसिक जो प्रिंसिपल था है ना, जिस पर वो काम कर रहा था, उसका बेसिक जो कंस्ट्रक्शन था वो हम लोगों ने पिछले दिन किया था, जिसमें बताया था कि एक वायर से जो है ना सस्पेंडेड होता है एक आर्मेचर। इस आर्मेचर या एक कॉइल है ना, इस कॉइल के दोनों तरफ से हम लगा देते हैं मैग्नेट के माने पोल पीसेज है ना, एक तरफ नॉर्थ पोल है एक तरफ साउथ पोल है, जिसके वजह से इसमें क्या होता है कॉइल ये मूव करता है। जब करंट इस कॉइल से पास होता है तो ये कॉइल मूव करता है ना। अब कॉइल के मोशन के वजह से जो है ना इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, मतलब ये वायर ट्विस्ट करता है। और ट्विस्ट करने से हम लोग चार्ज मेजरमेंट करते थे। अब कहता है कि एक गैल्वेनोमीटर को डेडबीट गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए है ना, या एक गैल्वेनोमीटर डेडबीट या बैलिस्टिक होता है ना, जब इसमें कुछ कपल्स लगने लगते हैं, कुछ टॉर्क, एडिशनल टॉर्क। कल तो हम लोग केवल एक ही टॉर्क देखे थे और वो टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क था सस्पेंडेड वायर के ट्विस्ट होने के कारण एक केवल टॉर्क लग रहा था। लेकिन इन रियल केस जब आप उसको बैलिस्टिक या डेडबीट के जैसा बनाएंगे तो केवल एक ही टॉर्क नहीं होगा और भी बहुत सारे टॉर्क होंगे। तो लिखेंगे नीचे डेडबीट एंड बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, लिखेंगे लिखेंगे व्हेन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर व्हेन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज डेडबीट और ए बैलिस्टिक कैन बी यूज्ड एज डेडबीट और बैलिस्टिक एंड इफ थीटा बी द डिफ्लेक्शन इफ थीटा बी द डिफ्लेक्शन एट एनी इंस्टेंट टी थीटा इज द डिफ्लेक्शन एट एनी इंस्टेंट टी एनी इंस्टेंट टी लिखेंगे द इंस्टेंटेनियस करेंट आई इज पासिंग थ्रू द क्वाइल द इंस्टेंटेनियस करेंट आई पासिंग थ्रू द क्वाइल पासिंग थ्रू द क्वाइल एट दैट इंस्टेंट डिफरेंट फॉलोइंग कपल्स एक्ट डिफरेंट फॉलोइंग कपल्स एक्ट ऑन द कॉइल डिफरेंट फॉलोइंग कपल्स एक्ट ऑन द कॉइल एंड कीप द कॉइल इन इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड कीप द कॉइल इन इक्विलिब्रियम पोजिशन। पहला नंबर में लेके लिखेंगे, पहला नंबर में इस पर कौन कौन कपल लग रहा है, तो पहला तो आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर द रिटार्डिंग कपल ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया द रिटार्डिंग कपल ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया एगो तो ही लगेगा, दूसरा ए डी थीटा बाई डी टी ए डी थीटा बाई डी टी द रिटार्डिंग कपल ड्यू टू डैम्पिंग द रिटार्डिंग कपल द रिटार्डिंग कपल ड्यू टू डैम्पिंग है ना,
विच इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, विच इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये दूसरा कपल होगा। तीसरा होगा एन ए बी डी थीटा बाई डी टी, ध्यान देना एन ए बी डी थीटा बाई डी टी। एन ए बी को हम एक नया नाम देते हैं जी, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ओके डी थीटा बाई डी टी। यह भी है एक प्रकार का कपल ही है ना, लेकिन ये किस प्रकार का कपल है, डैम्पिंग कपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कपल, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डैम्पिंग कपल, डैम्पिंग कपल। एक प्रकार का और कपल एक और लगेगा, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कपल, है ना, इंड्यूस्ड ड्यू टू करंट, इंड्यूस्ड ड्यू टू करंट, यह भी एक डेवलप होगा। चौथा प्रकार का एक कपल लगेगा, एक चौथा प्रकार का कपल लगेगा एल डी आई बाई डी टी, द अपोजिट ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन एल, द अपोजिट ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन एल ऑफ गैल्वेनो मीटर कॉइल, चौथा प्रकार का ये लगेगा। पांचवा लगेगा एन ए बी आई, जिसको हम कहेंगे जी इंटू आई, और ये डिस्प्लेसमेंट कपल ड्यू टू डिस करेंट आई, ये है किस वजह से, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कपल, कपल ड्यू टू करंट आई। और एक छठा कपल लगेगा सी थीटा, द रीस्टोरिंग कपल, सी इंटू थीटा द रीस्टोरिंग कपल। तो ये छह तरह के कपल उस पर लगना शुरू हो जाएगा जब कॉइल से करंट पास करोगे। कौन कौन, तो पहला एक रिटार्डिंग कपल ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया, है ना, जब कोई भी जब नेट टॉर्क लगाओगे तो टॉ बराबर आई अल्फा लिखोगे ना, और अल्फा का वैल्यू ड्यू टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो एगो तो ये हो गया रिटार्डिंग कपल ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया, टॉ बराबर आई अल्फा। अब ये तो हुआ कॉइल का अपना नेचर है, अब इस पर लग कौन कौन रहा है, तो पहले तो रिटार्डिंग कपल ड्यू टू डैम्पिंग विच इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डैम्पिंग इफेक्ट तो एक आएगा, है ना। अब ये किसी भी वजह से आ सकता है, अब तुमको तो पता है कि डैम्पिंग जो आता है वो ज़्यादातर किसके वजह से आता है, मीडियम के वजह से आता है। तो ए डी थीटा बाई डी टी एगो ये डैम्पिंग कपल जब भी होता है तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ये तो हमको पता ही है। तो ए डी थीटा बाई डी टी डैम्पिंग हो गया। दूसरा है एक और, तीसरा एक कपल लगेगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहेंगे, है ना, वो एन ए बी इंटू डी थीटा बाई डी टी के प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा सेल्फ इंडक्शन के वजह से भी जो है उसमें एक कपल लगेगा। फिर जो है डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण एक कपल लगेगा जिसको डिस्प्लेसमेंट कपल कहेंगे। और फिर एक रीस्टोरिंग कपल, चूंकि ट्विस्ट जो है याद है ना, ट्विस्टिंग कपल इज प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट, तो एक वो भी लगेगा, है ना। लिखेंगे नीचे, ये लिख लिए छो, लिखेंगे एज्यूमिंग द फैक्टर, एज्यूमिंग द फैक्टर ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, एज्यूमिंग द फैक्टर, एज्यूमिंग द फैक्टर ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस इज नेग्लिजिबल,
सेल्फ इंडक्टेंस इज नेग्लेजिबल, द करंट ड्यू टू ईएमएफ ई, द करंट ड्यू टू ईएमएफ ई, द करंट ड्यू टू ईएमएफ ई, द करंट ड्यू टू ईएमएफ ई अप्लाइड टू द सर्किट टर्मिनल्स, अप्लाइड टू द सर्किट टर्मिनल्स आई इक्वल टू वन बाई आर, है ना, ई माइनस जी इंटू डी थीटा बाई डी टी। लिखेंगे नीचे वेयर आर इज द टोटल रेजिस्टेंस, वेयर आर इज द टोटल रेजिस्टेंस, वेयर आर इज द टोटल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस। Now from Newton's law, now from Newton's law, तो Newton's law के according, Newton's law के according, Newton's law total torque बराबर I into alpha, total torque बराबर लिख देते हैं total torque लिखने से अच्छा है लिख देते हैं नेट कपल इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, अब कपल कौन सा कंसीडर करना है, है ना, तो सबसे पहले तो डैम्पिंग कपल ये है। अच्छा, तो आई इंटू अल्फा के बराबर आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये वाला फैक्टर आ गया। अब नेट कपल निकालते हैं तो ए गो माइनस, चूंकि डैम्पिंग कपल निगेटिव होता है ना, ए इंटू डी थीटा बाई डी टी, कोई दिक्कत। दूसरा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का है, है ना, दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है, तो यह भी क्या होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस जी इंटू डी थीटा बाई डी टी, है ना, माइनस जी इंटू डी थीटा बाई डी टी। ओके, और तीसरा जो है रीस्टोरिंग कपल है, तीसरा जो है जी आई पॉजिटिव है, फिर ये इसको भी रहने दो, इसको रहने दीजिए, ये करंट के एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग फैक्टर को शामिल कर लेंगे, है ना। दूसरा है माइनस सी इंटू थीटा प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट वाला जी आई इक्वल टू आई इंटू आई अल्फा ना डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, टोटल कपल एल वाला को तो जीरो लेना है, है ना, इसको तो नेग्लिजिबल माना है, तो अब इसको लिखते हैं आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ए इंटू डी थीटा बाई डी टी और प्लस सी इंटू थीटा बराबर जी इंटू आई, और आई का वैल्यू ऊपर से आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ए डी थीटा बाई डी टी प्लस सी इंटू थीटा बराबर जी, और आई का वैल्यू कितना है बाबू, वन बाई आर इंटू ई माइनस जी एंड डी थीटा बाई डी टी। तो इसको लिखेंगे दिस इंप्लाई
दिस इम्प्लाई आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ए डी थीटा बाई डी टी। देखो डी थीटा बाई डी टी वाला टर्म को इधर से भी ले आओ, है ना, तो ये हो जाएगा ए प्लस, और इधर से क्या हो जाएगा बाबू, जी स्क्वायर बाई आर, और ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। अब प्लस सी थीटा बराबर जी ई बाई आर, जी ई बाई आर, प्रिंट करो। अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे नॉन फॉर्म में लिख देते हैं, है ना, तो इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ए प्लस जी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई आई इंटू डी थीटा बाई डी टी, है ना, प्लस सी बाई आई इंटू थीटा बराबर जी ई बाई आई आर, है ना, तो इसको लिख देते हैं अब डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस, इसको लिखते हैं टू बी डी थीटा बाई डी टी प्लस, इसको लिख देते हैं के स्क्वायर थीटा बराबर एफ, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हियर टू बी बराबर है किसके, ए प्लस जी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई आई के स्क्वायर जो है वह बराबर है सी बाई आई के, और एफ जो है यह बराबर है जी ई बाई आई आर के। हो गया, लिखिए नीचे, वेन द गैल्वेनोमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ स्टेडी करेंट, वेन द गैल्वेनोमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ स्टेडी करेंट, देन देन जी ई बाई आर, यहां देखिएगा जी ई बाई आर
विल बी अप्लाइड कंटिन्यूअसली, अप्लाइड कंटिन्यूअसली एंड थीटा नॉट विल बी गिवेन, विल बी गिवेन एज थीटा नॉट। हाँ, ये पिछले दिन एक एक्सप्रेशन कराए थे, आई इक्वल टू के थीटा, इस प्रकार से आई इक्वल टू के थीटा, तो थीटा नॉट हो जाएगा आई अपॉन के। ठीक है, फुल स्टॉप लिखेंगे। व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड बैलिस्टिकली, व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड बैलिस्टिकली, यूज्ड बैलिस्टिकली फॉर चार्ज मेजरमेंट, फॉर चार्ज मेजरमेंट द ई एम एफ ई बिकम्स जीरो, द ई एम एफ ई बिकम्स जीरो, ई एम एफ ई बिकम्स जीरो, है ना। ई एम एफ ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बैलिस्टिकली यूज करेंगे तो अप्लाइड ई एम एफ जीरो हो जाएगा। तो अप्लाइड ई एम एफ को अगर आप जीरो कर दीजिएगा तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ई इज जीरो, वंस ई इज जीरो एफ इज जीरो, तब जो इक्वेशन कन्वर्ट कर जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू बी डी थीटा बाई डी टी और प्लस के स्क्वायर थीटा बराबर जीरो। ओके, तो ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। लिखते हैं, लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थ्री एज गिवेन एज, इस प्रकार का इक्वेशन हम पहले भी सॉल्व किए हैं, है ना, डैम्ड हार्मोनिक मोशन में या एलसीआर सर्किट सॉल्व करने के क्रम में आया हुआ है। तो लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थ्री इज गिवेन एज थीटा इक्वल टू थीटा नॉट ई टू द पावर अल्फा टी। हम मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है यह है थीटा इक्वल टू थीटा नॉट ई टू द पावर अल्फा टी। थीटा नॉट भी नहीं लेते हम, ए नॉट ले लेते हैं, जरूरत के हिसाब से बदल लेंगे, है ना, ए नॉट ई टू द पावर अल्फा टी। ठीक है, तो डी थीटा बाई डी टी बिकम्स ए नॉट अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी एंड डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर बिकम्स ए नॉट अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी। अब इस सारे वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करेंगे और कॉमन ले लेंगे तो ए नॉट ई टू द पावर अल्फा टी कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी और प्लस के स्क्वायर बराबर जीरो, अगर ये सारे वैल्यू को उसमें पुट करेंगे तो, है ना। तो यहाँ से जो अल्फा का वैल्यू आएगा ये आएगा माइनस बी, टू बी आएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का फोर बी होगा और माइनस फोर ए सी, तो फोर ए सी का भी फोर बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर अब बाई टू का भी खत्म हो जाएगा। तो अल्फा का दो वैल्यू आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और एक अल्फा टू आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से थीटा का दो सॉल्यूशन होगा, तो थीटा इक्वल टू होगा ए वन ई टू द पावर माइनस बी, है ना, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी प्लस ए टू, प्लस ए टू ई टू द पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी। अब चाहें तो इसमें बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के अंडर रूट को आप आर लिख सकते हैं,
तो अब ये जो थीटा है ये कन्वर्ट हो जाएगा ए वन ई टू द पावर माइनस बी प्लस आर इंटू टी प्लस ए टू ई टू द पावर माइनस बी माइनस आर इंटू टी के फॉर्म में। डिफ्लेक्शन निकल गया हमारा, ठीक है। को नाम दे देना इक्वेशन नंबर 3 तक हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। लिख लिए, कोई दिक्कत। लिखेंगे इक्वेशन 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन। इक्वेशन 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन फॉर इक्वेशन 2, फॉर इक्वेशन 2, फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 4। लिखेंगे द पार्टिकुलर इंटीग्रल फॉर इक्वेशन 2 इज गिवेन एज, द पार्टिकुलर इंटीग्रल फॉर इक्वेशन 2 इज गिवेन एज थीटा इक्वल टू एफ बाई के स्क्वायर, एफ बाई के स्क्वायर। सो द नेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, सो द सो द नेट सॉल्यूशन, नेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज गिवेन एज। सो इक्वेशन 2 का जो नेट सॉल्यूशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, है ना। नेट सॉल्यूशन बराबर याद होगा, नेट सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन आया है ए वन ई टू द पावर माइनस बी प्लस आर इंटू टी प्लस ए टू ई टू द पावर माइनस बी माइनस आर इंटू टी प्लस एफ बाई के स्क्वायर। अब इसमें हम पुट कर देते हैं नेट सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू, इसमें पुट कर देते हैं एफ बाई के स्क्वायर, है ना, को थीटा नॉट, चूंकि एफ भी हमारा नोन है और के भी हमारा नोन है, तो इसको हम पुट कर देते हैं थीटा नॉट। तो सॉल्यूशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस बी टी कॉमन ई टू द पावर ए वन ई टू द पावर आर टी प्लस ए टू ई टू द पावर माइनस आर टी प्लस थीटा नॉट।
अब मेन काम जो हमारा है वो है इसमें A1 और A2 फाइंड करना। ठीक है, तो लिखते हैं इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं एट टी इक्वल टू 0, थीटा हमारा 0 था एंड डी थीटा बाई डी टी भी हमारा क्या था बाबू, 0 था। टी इक्वल टू 0 पर थीटा भी 0 था और डी थीटा बाई डी टी भी 0 था। तो टी इक्वल टू 0 पर थीटा भी 0 है और डी थीटा बाई डी टी भी 0 है ना। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। टी इक्वल टू 0 अप्लाई करके थीटा 0 करेंगे तो व्हेन वी पुट टी इक्वल टू 0 दिस एक्सपोनेंट्स बिकम 1, दिस एक्सपोनेंट बिकम्स 1 एंड दिस एक्सपोनेंट बिकम्स 1। सो यहाँ से क्या बचेगा, ए वन प्लस ए टू, तो ए को बच गया हमारा ए वन प्लस ए टू इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस थीटा नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब फिर अब अगर डी थीटा बाई डी टी निकालेंगे तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो करते हैं डी थीटा बाई डी टी को 0, है ना, तो डी थीटा बाई डी टी को 0 करिए तो इसको डिफरेंशिएट करिएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं यह माइनस आर प्लस बी, ओके ऐसे नहीं, इक्वल टू माइनस बी, ये है ए वन प्लस ए टू, ए वन प्लस ए टू अब प्लस आर ए वन माइनस ए टू। सो इक्वेशन नंबर 4 तक हुआ था ना, इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 5 और ऊपर ही से लिखते चलिए, इसको आप 5 लिख लीजिए, ओके इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 6, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 7, इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 8 और इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 9। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 8 एंड 9, लिखते हैं इक्वेशन नंबर 8 और 9 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 8 एंड 9। इक्वेशन नंबर 8 और 9 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद हमको जो मिलता है ए वन इक्वल टू माइनस आर प्लस बी बाई माइनस आर, ओके 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 नॉट दिस, इस प्रकार से है माइनस आर प्लस बी बाई थीटा नॉट, आर प्लस बी बाई नहीं, आर प्लस बी इंटू थीटा नॉट बाई टू आर, इंटू थीटा नॉट बाई टू आर। और ए टू जो हमको मिलता है सॉल्व करने के बाद वो मिलता है माइनस में आर माइनस बी इंटू थीटा नॉट बाई टू आर। तो नेट एक्सप्रेशन जो हमको थीटा का मिलता है ना, वो ई टू द पावर माइनस बी टी और अंदर में ए वन का वैल्यू माइनस, है ना, माइनस कॉमन ही ले लीजिए तो आर प्लस बी बाई टू आर, है ना। अच्छा, इसमें थीटा नॉट भी कॉमन आ जाएगा, थीटा नॉट बाई टू आर भी क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये थीटा नॉट बाई टू आर को भी कॉमन ले लीजिए और ई टू द पावर माइनस बी टी, और तब ए वन का जो वैल्यू होगा माइनस को भी बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आर प्लस बी ई टू द पावर आर टी, ये आर माइनस बी ई टू द पावर माइनस आर टी प्लस थीटा नॉट, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसमें आपको आर का वैल्यू पता ही होगा कि यहाँ पर जो आर है वो क्या था, अंडर रूट, आर का वैल्यू क्या था बाबू, अंडर रूट, देखो तो बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर था, आर का वैल्यू जो था वो बी स्क्वायर माइनस
के स्क्वायर था ना। तीन कंडीशन होगा कि एक बार तो आर जीरो होगा, दूसरी बार आर जो है वह कोई पॉजिटिव नंबर होगा, या तीसरी बार आर हमारा कोई इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, तीनों केस के लिए हम लोग थीटा का वैल्यू देखेंगे। तो थीटा को थोड़ा सा हम और एक्सपेंड कर देते हैं। थीटा इक्वल टू माइनस थीटा नॉट बाई 2 आर ई टू द पावर माइनस बी टी, और इसको लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का अंडर रूट प्लस बी और ई टू द पावर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस बी ई टू द पावर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी, है ना, अब प्लस थीटा नॉट। ये हमारा जो है फाइनल एक्सप्रेशन फॉर थीटा आएगा। यहाँ पर टी प्रोडक्ट में है, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा और छोटा करके लिख देते हैं अच्छा से। ये है बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी और इस पर पावर है हाफ, ऐसे लिख दिए। ठीक है, या आप इसको ऐसे अंडर रूट में भी कर सकते हैं और टी बाहर में है। ठीक है, तो तीन केस इसमें डेवलप होगा। हमको दिख रहा है कि जब भी इस तरह का फैक्टर आया है तीन बातें हुई हैं, है ना। एगो ओवर डैम्प्ड का केस, एगो हैवी डैम्पिंग का केस, एगो क्रिटिकल डैम्पिंग का केस। तो जो इसमें क्रिटिकल डैम्पिंग का केस होगा वही होगा आपका डेड बिट, वही होगा आपका डेड बिट। ठीक है, तो अगले दिन थोड़ा डेड बिट और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सा और हम लोग करेंगे।